नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल और असम में जारी दूसरे चरण के चुनाव अपडेट को लेकर। सबसे पहले आपको परसेंटेज बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 29.27% वोटिंग हुई है और असम की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 21.71% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा जो कि असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत जो वोट डाले गए हैं उसका परसेंटेज 29.27% वोटिंग पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक हो चुकी है। 21.71% मतदान असम में आज सुबह 11 बजे तक हो चुका है। अब आपको दिग्गजों का मतदान दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में वोट डाला, बद्रुद्दीन अजमल ने असम के होजाई में वोट डाला और सुष्मिता देव ने असम के सिलचर में वोटिंग की। तीन अलग अलग तस्वीरें। दिग्गजों ने भी मतदान किया। शुभेंदु अधिकारी सुबह ही पहुंचे, 7:30 बजे के आसपास नंदीग्राम में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर अब असम की, जहां पर बद्रुद्दीन अजमल वोट डालने के लिए पहुंचे। होजाई में उन्होंने वोट डाला बूथ पर जाकर। असम के सिलचर से आप सुष्मिता देव को देख रहे हैं जहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने आज ये दावा किया कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है और यहां पर केंद्रीय बलों की निगरानी में लोग वोट डाल रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ओल्ड रिलेशन 20 साल से ज्यादा, 2004 में मैं कंटेस्ट किया था इस क्षेत्र में, 2003 से आना जाना जारी है, 2009 से एमपी है, 2016 से जमीन आंदोलन, किसानों के साथ जमीन आंदोलन में मैं पार्टिसिपेट किया। इसका सबके साथ पर्सनल रिलेशन है। ये विश्वास के ऊपर मेरा उम्मीद है ये लोग आपने जो रिलेटिव है शुभेंदु उसको नहीं छोड़ा। ममता दीदी एक ही फांसी लगाने हुए, उसका पीछे पंचायत मेंबर आमिरुल है, उसका तुरंत गिरफ्तारी की मांग है। ओवरऑल पीसफुल है, ओवरऑल पीसफुल है, पूरा शिकंजा कस दिया सेंट्रल फोर्स ने। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने नंदीग्राम में आज वोट डाला और अपनी जीत का दावा किया। बाइक पर बैठकर वो वोट डालने पहुंचे थे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उसके बाद जब वो बाहर निकले तो अपनी जीत का दावा किया, विक्ट्री का साइन दिखाया, लोगों से भी मिले, वहां लोगों का आशीर्वाद लेते हुए वो वहां से बाहर निकले, बाइक पर बैठकर पहुंचे थे। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए और काफी लोगों से उन्होंने आशीर्वाद लिया, वो मिले उनसे वहां पर जब वोट डालने के लिए पहुंचे। विक्ट्री का साइन दिखाकर वो फिर से इस बात को दोबारा से वो वहां पर साबित कर रहे थे कि जीत दरअसल इलाके से इस सीट से उन्हीं की होगी। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम में वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे नंदीग्राम में धारा 144 लागू है, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। नंदीग्राम में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 22 कंपनियों को तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ पर जाकर उन्होंने जायजा लिया। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या लग रहा, कौन जीतेगा? शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। दीदी या दादा? दादा दादा। दीदी या दादा? ये देखिए अलग अलग जगह रुक के शुभेंदु अधिकारी जो है कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है। देखिए कितनी उम्र है इनकी, कितनी एज है, कितना उम्र? 85 साल के बुजुर्ग जो है वो भी मतदान करने आए हैं। देखिए महिला भी है, वो भी मतदान करने आई है। तो तमाम बूथ पर शुभेंदु अधिकारी बीच बीच में रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और फिर यहाँ से निकलते चले जाते हैं। क्या होगा चुनाव में, दीदी या दादा? दादा, दीदी या दादा? दादा, दीदी या दादा? क्या लग रहा है, दीदी या दादा? चलो निकल निकल। तो दीदी और दादा की लड़ाई हो इसमें, देखिए तमाम महिलाएं और जिनसे पूछा सब कह रही हैं दादा। तो दादा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत भी होंगे ये सारे लोग। दादा लोग कह रहे हैं कि दादा, यहाँ महिलाएं भी कह रही हैं दादा, घर का ये सुकून दे रहा आपको कहीं ना कहीं? कहीं ना कहीं देखिए शुभेंदु अधिकारी जो है लगातार यहाँ से निकल रहे हैं, लोगों से जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जायजा लेते जा रहे हैं कि कहाँ मतदान में क्या स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये स्थिति जानकारी लेते हुए यहाँ से बढ़ते हैं। तो पूरी यहाँ पर जो लड़ाई है, जो जंग है, वो दरअसल दीदी वर्सेस दादा की हो गई है और शुभेंदु अधिकारी पूरे आश्वस्त नजर आ रहे थे वहां से जीत का दावा करते हुए। वो लोगों से भी मिले और फिर वोट कास्ट करके वहां से निकल गए।
और देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की 30 सीटें हैं, चार जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से लगातार, और साथ ही असम की 39 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, और इसी के साथ असम में 2/3 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा दूसरे चरण के तहत। दोनों ही तस्वीरें, दोनों जगहों पर इलेक्शन हो रहा है, वहां पर लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें सुबह से आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, क्योंकि अब सीधे रुक कर लेते हैं ताजा अपडेट के लिए, ग्राउंड पर चलते हैं सीधे। मेरे सहयोगी मनीष वहां से हमारे साथ असम के नलबाड़ी में हैं। मनीष, 5 घंटे लगभग हो चुके हैं, लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि लोग भी घरों से निकल रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले मतदान कर लें फिर कोई दूजा काम। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल शरीन, देखिए इस वक्त 12 बजे हैं, और अगर आप असम की बात करें तो असम के लोअर जो असम के इलाका है यहाँ पर वोटिंग हो रही है 21%। 11 बजे तक यहाँ रिपोर्ट ऐसी है कि यहाँ वोटिंग हो चुकी है और लोग लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। अगर आसपास देखें गजब का उत्साह है, जोश है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएँ भी आ रही हैं, हम कुछ ऐसी महिलाओं से बात करेंगे। आप ही बताइए, पहली बार वोट डालने आ रही है, इससे पहले आपने डाला है क्या? क्या आपने फर्स्ट टाइम आप वोट कर रहे हैं? हाँ, अभी कितना एक्साइटेड है आप? बहुत एक्साइटेड हूं। क्या होना चाहिए, क्या आप कुछ सोचती है कुछ बदलाव होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, जरूर। क्या किस टाइप की, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं है? बहुत ऐसा काम है जो नहीं हुआ है। सो स्कूल कॉलेजेस की क्या दिक्कतें आपको लगती है यहाँ पे? स्कूल कॉलेज की मतलब लोगों को किताब वो सब बिना मूल्य मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, सो और बहुत कुछ है डेवलप करने के लिए। आपके फादर हैं साथ में? हाँ। आपने वो डाल लिया सर? नहीं नहीं, अभी दिया। अभी जा रहे हैं? आप अपने बच्चे के साथ आए, और भी कोई घर में है? और भी किसी के साथ आए हैं? अपने बच्चे के साथ आए वहाँ वो डालने के लिए। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, आप बताइए मैडम किस तरीके से देखती हैं आप 5 साल जो बीजेपी ने यहाँ शासन की है, आप खुश हैं उनके काम से? बहुत अच्छा लगता है। डेवलपमेंट हुआ आसाम का? असम का डेवलपमेंट हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, हुआ है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उसको रोका गया है, आप मानती हैं कि बांग्लादेशियों की संख्या कम हुई है असम के अंदर, रोके गए बॉर्डर पे? नहीं तो नाम ना कुछ तो आप, हम आपको लगातार बात करा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ लगातार हम दूसरे पोलिंग बूथ पर भी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये नलबाड़ी का इलाका है जहाँ पर वोटिंग चल रही है, सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और लोग अपनी कतारों में खड़े हैं। देखिए तो यहाँ पर आप बताइए सर, बीजेपी के आप 5 साल कैसे देख रहे हैं पिछले सर्वानंदा की सरकार को, आपको लगता है काम हुआ है यहाँ पे? काम हुआ है, काम कुछ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आपसे वोट मांगने आ रही है आप उनसे क्या कह रहे हैं अगले 5 साल आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? भलकम कर जाते राज्य भलकम करे सारे का मना करें। और एक सबसे बड़ी बात है शिरीन की, जैसा हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर वायलेंस की रिपोर्ट आई है, लेकिन असम काफ़ी पीसफुल इलाका है और असम के अंदर लोग बहुत शांतिपूर्ण मतदान करना पसंद करते हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं सर, कब से लाइन में खड़े हैं? 10-15 मिनट हो गया है। क्या होना चाहिए असम में, क्या बदलाव होना चाहिए? असम तो बीजेपी ही जाएगा, बीजेपी का। ये बताइए कि क्या ऐसी चीज है जो अभी 5 सालों में नहीं हुई है असम के अंदर जो होनी चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए और होगा, ये हमारा विश्वास है। बीजेपी सरकार कह रही है कि उनके शासनकाल में उन्होंने बॉर्डर को सील कर दिया है, अब अवैध बांग्लादेशी नहीं आ सकते, आपको लगता है कि कुछ काम हुआ इस मुद्दे पे? हो रहा है, होगा, जरूर होगा, ये आगे भी होगा। होगा तो एक तरफ कोकराझार में प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ से थोड़े दूर पर ही श्रीन उनकी रैली चल रही है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, या हम असम की बात करें, यहाँ एक इंसर्जेंसी एक बड़ी समस्या थी और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बोडो इंसर्जेंट थे उन्होंने उनकी प्रयास पर हथियार डाल दिए गए थे, उन्होंने मुख्य धारा में शामिल हो गए थे। ये बताइए, हम देखते हैं कि जो बोडो एक बड़ी समस्या थी असम के अंदर, इंसर्जेंसी कम हुई है, आप बदलाव देखते हैं सर? नौकरी, आप लोगों को नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए हम लोग। इंसर्जेंट की समस्या प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि जो बोडो की समस्या थी, उग्रवाद की समस्या थी, वो कम हुई है। उग्रमंथी का समस्या भी नहीं है ऐसा करके, उग्रवाद की समस्या नहीं है? नहीं है, ठीक हुआ। तो ये एक बड़ा बदलाव है श्रीन, क्योंकि 10-12 साल पहले तक अगर आप बात करें तो कभी उल्फा कभी बोडो अलग अलग ग्रुप थे और लगातार यहाँ हिंसा होती थी, लोगों के लिए वायलेंस एक बड़ा
प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है। आप जिससे भी बात करिए, जिस कैंडिडेट से पूछिए, जिस वोटर से पूछिए, वो यही चाहते हैं कि असम में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो यहाँ पर विकास करे। और अब ये देखने की बात होगी कि सर्वानंदा की जो सरकार 5 साल से है, क्या उसके काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या वो रिपीट करते हैं, या फिर बदलाव होता है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी भी जो अजमल की मौजूदा सरकार की तरफ से कि हमने बहुत काम किया है और जनता हम पर फिर से भरोसा करेगी। अब वो भरोसा कितना जता पाएगी जनता किस पर, ये फिलहाल देखना होगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन फिलहाल हम विशाल भी मेरे साथ जुड़ गए। विशाल, मैं आपके पास आती हूँ, पहले अपडेट दे देते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है, पश्चिम बंगाल और असम का दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और पश्चिम बंगाल में दोपहर 12 बजे तक 37% वोटिंग हुई है, जबकि असम में दोपहर 12 बजे तक 27% मतदान हुआ है। दोपहर 12 बजे तक का यह आंकड़ा दोनों ही राज्यों का। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है और असम में 39 सीटों के लिए वोट सुबह से डाले जा रहे हैं। फिर से बता दें, 37% दोपहर 12 बजे तक पश्चिम बंगाल और असम में दोपहर 12 बजे तक 27% मतदान हुआ है। विशाल, आप सुबह से लगातार ग्राउंड पर हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और 37% मतदान हो चुका है अब तक? देखिए, बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का जो दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, 12 बजे तक 37% मतदान हुआ है। और नंदीग्राम की बात करें, जहां पर मैं मौजूद हूं, अभी कई पोलिंग बूथ का दौरा करके मैं आया हूं और देखा है कि हर जगह चुनाव बहुत ही शांति से चल रहा है। फिलहाल एक दो जगह से कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिली थी कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने है, लेकिन केंद्रीय बल हर पोलिंग बूथ पर तैनात है, तो छोटी मोटी घटनाओं को तुरंत वहीं पर रोक दिया जा रहा है। लेकिन नंदीग्राम में लगातार पोलिंग बूथ तक मतदाताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और यहां पर क्योंकि ये दो ब्लॉक में बांटा गया है, दोनों ब्लॉक को अगर देखें, जो नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 है, नंदीग्राम 1 ममता दीदी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, तो नंदीग्राम 2 को शुभेंदु अधिकारी का स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है। और इसीलिए दोनों की तरफ से यह कोशिश है कि किस तरह से एक दूसरे के किले में सेंध लगाई जाए, और इसीलिए जो उनकी रणनीति तैयार की गई थी, अगर आप देखेंगे नंदीग्राम को, यहाँ पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा हुआ करता है, पिछले कई चुनावों के जो हम ट्रेंड देखते हैं, और उसी को देखते हुए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी अपने पूरे चुनावी कैंपेन में जय श्री राम के नारे के साथ रहे, तो ममता दीदी भी मंदिर जाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटी, चंडी पाठ करते हुए वो दिखाई दी, अपना गोत्र बताते हुए दिखाई दी, क्योंकि उनको ये पता है कि नंदीग्राम का जो 60-70% हिंदू वोट बैंक है, उसके बिना उनकी राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से ध्रुवीकरण पर यहां चुनाव होता हुआ दिखाई दिया। जो जनता के आम मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं नंदीग्राम में बहुत पीछे दिखाई दिए, क्योंकि दो बड़े चेहरे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के एक तरह से पोस्टर बॉय बन चुके हैं ममता दीदी को छोड़ने के बाद। और नंदीग्राम से तय होगा कि बंगाल की सत्ता पर कौन जाएगा। देखा जाए, इस चरण की अगर खासतौर से बात की जाए, तो पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी पर ही जिम्मेदारी है और भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया भी गया है, आश्वस्त भी वो नजर आ रहे थे, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए निकले थे। मैं आपके पास आती हूँ, रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पर है और पोलिंग बूथ का भी जायजा ले रहे हैं, एक रिपोर्ट उनकी दिखा देते हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी जगह जगह जाकर ये दावा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उनके कार्यकर्ता के साथ, कोई मारपीट तो नहीं हुई, एक जगह की शिकायत उन्होंने की है और एक पंचायत प्रमुख को गिरफ्तार करने की तुरंत मांग की, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि सेंट्रल फोर्सेज ने टाइट कर दिया है मामले को, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उनके जो समर्थक उनके जो चाहने वाले हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं जय। और शुभेंदु अधिकारी इसी तरह से लगातार, आप कहें तो 1.5 से 2 घंटे से लगातार चलकर जाना और लोगों से जायजा लेना, बातचीत करने का ये सिलसिला उनका जारी है। शुभेंदु अधिकारी से बातचीत करेंगे, देखिए शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में है और गाड़ी में बातचीत करते हुए जा रहे हैं और लोगों से इनसे पूछेंगे कि शुभेंदु दा कहाँ की दिक्कत आई और आपने क्या शिकायत की? शुभेंदु अधिकारी जो है निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं और बीच बीच में कार्यकर्ताओं को टॉफी और चॉकलेट भी बांटते हुए चल रहे हैं कि टॉफी चॉकलेट बांट के खा लीजिए, ये चल रहा है। तो सिलसिला शुभेंदु अधिकारी लगातार इस तरह से आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में कि रुकना, बूथ पर जाना, बात करना, जानना, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो उसकी शिकायत तुरंत करना और उनकी गिरफ्तारी की मांग करना। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नंदीग्राम।
तो देखिए, जिस नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं, लगातार आपको वहां का समीकरण भी हमने समझाया, वहां पर फिलहाल लोग क्या कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से विक्ट्री दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि दरअसल जीत तो उनकी ही होगी, क्योंकि अधिकारी परिवार का ये गढ़ रहा है। और पश्चिमी मिदनापुर की अगर बात करें तो वहां पर काफी अच्छी खासी सीटों पर अधिकारी परिवार का प्रभाव है। ऐसे में ममता बनर्जी का जीत का दावा करना और वहां से वो चुनौती स्वीकार करना, जो चुनौती उन्हें अधिकारी परिवार की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मिली है, वो उन्होंने एक्सेप्ट की और भवानीपुर को छोड़कर वो सीधे यहां पर पहुंची और यहां से चुनाव लड़ रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि वो बाकायदा वहां पर एक घर लेकर पिछले 3 से 4 दिनों से वहीं पर ठहरी हुई है। आज वोटिंग हो रही है उस जगह पर और ममता बनर्जी पूरी नजर वहीं से बनाए हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र बन गया है पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम की, वहां से ये तय होगा जो भी नंदीग्राम जीतेगा वो बहुत कुछ आगे के लिए पश्चिम बंगाल के लिए तय करेगा और बीजेपी और साथ ही तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए। इसीलिए यह गढ़ इतना मजबूत और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि तस्वीरें भी वही दिखा रही हैं, लोगों को भी आप सुन रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि उनका यह कहना है कि वो तो यही के हैं, उनको तो यहां की जनता का प्यार मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही दीदी इस बात का दावा करती है, क्योंकि दीदी की जमीन दरअसल नंदीग्राम के जरिए ही तैयार हुई थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने जो जीत फतेह की वो यहीं से होकर गुजरी थी। एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं, बांकुड़ा में टीएमसी प्रत्याशी का ईवीएम में खराबी का आरोप, बांकुड़ा से ये बड़ी खबर। कई बूथ पर उनकी तरफ से कहना है सायंतिका बनर्जी कि कई बूथ पर ईवीएम नहीं बदले गए जो कि खराब हैं, ये सायंतिका बनर्जी का आरोप है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। लोग अभी मैं यहाँ पे आने के बाद हम लोग इंजीनियर भेजने वाले थे, अभी तक इंजीनियर आया नहीं है, हम लोग अभी मशीन चेंज करने बोले हैं। एक भी वोट, ये हमारा स्ट्रांग बूथ है, एक भी वोट यहाँ पे अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि दो मशीन, प्लीज बी केयरफुल, एक तो नामो हाथ नामो, दो मशीन खराब है यहाँ पे, दोनों मशीन खराब है, एक भी वोट अभी तक नहीं हो पाया है मेरा। बहुत सारे वोटर्स हमारे वापस जा चुके हैं यहाँ पे, देयर आर एल्डरली पीपल हियर, उन लोग वापस जा चुके, पता भी नहीं आएंगे कि नहीं वापस। तो टीएमसी प्रत्याशी आप सुन रहे थे सायंतिका बनर्जी, जो कि आरोप लगा रही है कि खराब है ईवीएम मशीन और कई मशीन खराब है, लेकिन उनको अभी तक बदला नहीं जा सका है और इस वजह से वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। ईवीएम खराबी की तस्वीरें भी इस, हालांकि इससे पहले भी ऐसी छिटपुट घटनाएं कई आई हैं, लेकिन तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, महिलाओं का अगर जिक्र करें तो महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद दिखाई दे रही है, कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर वो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं लगातार। पश्चिम बंगाल में आज 30 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें वो सीट भी शामिल है जो सीट बहुत कुछ तय करने वाली है, और वो है नंदीग्राम, क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुना है और शुभेंदु अधिकारी चुनौती उनको दे रहे हैं, जिसे एक्सेप्ट किया है ममता बनर्जी ने। तो लगातार आपसे, आप तक इससे जुड़ी हुई जानकारी हम पहुंचाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं फॉर नोटिंग। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।